नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का 6 जून 2022 है और आने वाला 12 जून 2022 से आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो पिछले बार भी हम लोगों ने एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन प्रीव्यू प्रोवाइड करवाया था, तो इस बार भी हम लोग कुछ स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले आखिर कैसा है एग्जामिनेशन का माहौल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर जी हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। जी सर, मेरा नाम सागर कुमार है। नहीं, हम बोल पकड़े हुए। मेरा नाम सागर कुमार है और एनटीपीसी एग्जाम है मेरा लेवल 2 और लेवल 3 का। जी जी सर। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार हम लोगों ने लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जामिनेशन रिव्यू किया था, तो मतलब कि पहले तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे एग्जामिनेशन से पहले, लेकिन आपने देखा होगा कि लेवल 4 और लेवल 6 का जब एग्जामिनेशन हुआ तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखे क्वेश्चन पेपर का टफनेस को लेकर के। तो इस बार आप लोग को कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है पेपर को लेकर के? आप लोग कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि पेपर इस बार हार्ड आएगा तो भी देख लेंगे, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं, जो रेलवे के द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पेपर का टफनेस बढ़ेगा, तो चूंकि लेवल 6 का पेपर हो चुका है तो अब लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में आप लोगों को इजी पेपर मिलने की संभावना है, इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, जैसा आपने कहा कि पहले जो अनसर्टेनिटी थी 6 और 4 लेवल को लेके, ये एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जैसे हमारे मित्र भी बहुत सारे देखे हैं, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे लेकिन जब वहाँ गए तो फिर मामला कुछ और ही था। लेवल 6 का और लेवल 4 का तो टफनेस आया ही है। लेवल 4 का कई मित्र तो बता रहे थे कि लेवल 4 का 6 से ज़्यादा टफनेस था। ठीक है, फिर आप ही लोग के रिव्यू के अनुसार बाद में पता चला कि हाँ टफ बोल सकते, जैसा सही मित्र तैयारी करे गए थे टफ था लेकिन उतना भी टफ नहीं था, लेंदी था, घुमावदार था, कैलकुलेशन बेस्ड था और टाइम टेकिंग था। इस कारण से बहुत सारे मित्र जो हमारे वो अच्छा जितना सोच के गए थे उस तरह से उस अनुरूप जो है अपना नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी ठीक ही देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी बोल है जो आपने कहा कि अभी उसके अनुसार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखा जाए तो सर ये लेवल 6 और 4 का देखते हुए हम लोग तो सजग हो गए। सीधी सी बात है कि पहले तो जो लग रहा था कि जो टफनेस पूछेगा, ठीक है, तो उसको लेकर भी आप तैयार हैं और पहले से तो जो करते उसके लिए उसको लेकर भी तैयार हैं, तो अब ज़्यादा जो है ना भ्रांतियाँ हैं और ना ही कुछ अनसर्टेनिटी है। अब जो होगा देखा जाएगा, टफ आए तो टफ आए, हार्ड आए तो हार्ड आए, अब करके जाएंगे तो करके जाएंगे। मतलब कि हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी सर, बिल्कुल टफ 6 और 4 लेवल का दिक्कत, टफ वाला भी तैयारी हो रहा है सर। और लगभग हो ही गया और हो ही रहा है, और बाकी जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था। जैसे 6 और 4 के जिस टाइप का लेवल का क्वेश्चन पूछा फिर उस अनुरूप हमने अपने आप को ढाला, ठीक है, उस तरह का भी तैयारी चल रहा है, तैयारी कर रहे थे और अभी तैयारी चल ही रहा है। तो अब हम उतनी गुंजाइश नहीं है कि अब इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा हार्ड कर देगा, क्योंकि जो है लेवल 6 और 4 जो है हाई लेवल का एग्ज़ाम था और लेवल 2, 3, 5 जो है उससे थोड़ा डाउन है, तो मेरे ख्याल से जो है टफनेस उससे नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो तो चलेगा, उससे कम हो तो चलेगा, लेकिन उससे टफनेस नहीं होगा मेरे को लगता है ऐसा। लेकिन फिर भी जो होगा आप अच्छा करेंगे, अच्छा ही होगा। मतलब ऐसा हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल पहले नहीं था, अच्छा हुआ कि 6 और 4 का पहले हो गया, हम लोग सजग हो गए और वो भाई लोग भी जो है पहले 6 और 4 का देखिए सजग हो गए, अब जो है अपने आप को उस तरह से बिल्डअप कर चुके हैं हार्ड क्वेश्चन के लिए भी, मॉडरेट क्वेश्चन के लिए भी, और इजी लेवल का तो ये जिस टाइप का पूछा गया था उस टाइप का अब सभी रूपेण तैयार हैं सर, सबको अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेवल 4 और लेवल 6 का जो एग्जामिनेशन हुआ वो आप लोगों को एक अलर्ट, मतलब अलार्म सिस्टम के जैसा काम किया। उसमें क्या था ना कि सेटिंग अरेंजमेंट और पजल हो गए वो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और लेंदी एक पहले होता था कि सेटिंग अरेंजमेंट हुआ तो उसके अनुरूप 1 या 2 क्वेश्चन होता था, पजल हुआ तो 4 या 5 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अब एक पजल में, लंबे पजल में और लंबे सेटिंग अरेंजमेंट में एक ही सवाल आ रहे हैं, तो उसको लेके अलर्ट हो गए, उसको हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए, अपने आप को प्रिपेयर किया, उस अनुरूप अपने आप को ढाला, फिर जो है
उस तरीके से देखा जाए तो अलार्म था ही सर, अलार्मिंग था, अलार्मिंग टाइमिंग ही था, लेकिन सर जो उसको देख के अब का तैयारी है, देखा जाए तो सर अब सब सजग हो गए हैं सबके लिए, तो अब देखा जाए तो इसके लिए सर 235 के लिए कंपटीशन बहुत टफ जैसा हो गया। एक सवाल और था सर मेरा कि जैसे जैसे नज़दीकी आ रही है, जैसे वो 6 दिन बाकी है परीक्षा की, है ना, तो सर जो पहले जो टेस्ट लगाते थे उसको वो चर्चा करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा एक आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, मॉक टेस्ट के ऊपर भी हम लोग आएंगे। आपका RRB कौन सा है? RRB सर हाँ जी। और आपका CBT 1 में रॉ मार्क्स कितना था? रॉ मार्क्स था उसमें मेरा 61 था। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स? 71 था। और कैटेगरी? कैटेगरी SC। तो आपका नॉर्मल रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ था या फिर रिवाइज रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ था? रिवाइज रिजल्ट में। कहीं ना कहीं रिवाइज रिजल्ट आप लोग के लिए वरदान के तौर पर है, यहाँ से आप लोग एक सीट पक्का कर पाते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों का आंदोलन सफल रहा। जी बिल्कुल जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका सेंटर कहाँ दिया गया है? सेंटर सर बंगाल है, वेस्ट बंगाल। जी सर। कितना दूर है आपका सेंटर आपके घर से? घर से सर अप्रोक्सीमेटली लगभग 100, 200, 300, 500। तो बंगाल तो ये है ना, मतलब नज़दीक है आपका सेंटर? नज़दीक है। आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है? बहुत ज़्यादा 400-500 किलोमीटर। अगला चर्चा करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट के ऊपर। कहीं ना कहीं जब लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो स्टूडेंट का कहना था कि चूंकि अभी स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मॉक टेस्ट है वो टेस्ट बुक है, तो स्टूडेंट्स का कहना हो रहा था कि हम लोग का मॉक टेस्ट में एग्जामिनेशन से पहले 110, 115 तक स्कोर आ रहे थे, जबकि एग्जामिनेशन में मतलब कि हम लोग की हवा निकल गई। जबकि अभी आप बता रहे हैं कि टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पे मुश्किल से बहुत ज़्यादा स्कोर बहुत मुश्किल हो गया है। जी, जी, जी। तो मतलब कि ये जो टफनेस के लेवल को बढ़ाया गया है टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पे, जी, जी। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मतलब कैसा बेनिफिशियल साबित हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आप लोग के लिए डिमोरलाइजिंग का काम कर रहा है? नहीं सर, देखा जाए तो पहले टेस्ट बुक का जो मॉक टेस्ट था है ना, उसमें इंटर और ग्रेजुएट का लोगों को मिला के है ना, लगभग सर 90-95 किसी किसी में 100+ भी जाते थे है ना। और उसके बाद जैसे ही 6 और 4 लेवल का एग्ज़ाम हुआ तो भाई लोगों ने जैसे बताया तो फिर कई भाई तो हैं, भाई लोग तो हैं जो मतलब जो है ये हो गए खुन्नस में आ गए और फिर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर कोई बात नहीं, वो तो बनता ही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही टेस्ट बुक ने अपना जो है लेवल बढ़ाया, जो नए जो मॉक टेस्ट बन के आए हैं उसमें सारे लेवल के उसके बाद के, तो उसमें सर टफनेस बहुत बढ़ाया गया है। उसमें अभी लगभग अगर मैं पर्सनली मेरा बात करूं तो अभी 69, 72, 75, 78, 80 मैक्सिमम जा रहे हैं सर, मार काट के जिसको बोलते हैं ना। पहले तो होता था कि 95 से 92, 100+ भी जाते थे, लेकिन अब 69, 65, 70, 78, 79 इसी तरह में अटक रहे हैं। तो देखा जाए तो टफनेस को बढ़ाया गया, तो हमारे लिए बढ़ाया गया, ये डिमोरलाइजिंग वाली बात नहीं है। जहाँ जिस फील्ड में हम जिस टॉपिक में हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं उसको बेस्ट करने का जो है हमें समय मिल गया और अलार्मिंग मिल गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है, एक तरफ से सही है, क्योंकि हमें जो है क्या करना था और क्या हो रहा है उसको लेके हम लोग सजग हो गए, और उस अनुसार टेस्ट बुक में मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट बुक और हाँ टेस्ट बुक में मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं, तो अपने आप को उस हम लोग डालेंगे। इसके बाद हम लोग जो है ये इजी आए उसके लिए भी तैयार हैं, मॉडरेट आए उसके लिए भी तैयार हैं, और टफ आए उसके लिए भी तैयार हैं। मतलब बेसिकली आप लोग खुश हैं? जी जी बिल्कुल खुश हैं। और इनका एक सवाल हो रहा था फ्रेंड, जो हम लोगों ने इनको जवाब दिया है, हो सकता है इनका जो सवाल है वो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल हो रहा हो। इनका एक सवाल था कि सर हमारा जो मॉक टेस्ट में अभी टफनेस के लेवल को बढ़ाने के बाद जो स्कोर कम आ रहा है उसमें हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें? तो इससे हम चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा सिंपल रहेगी आपके लिए। कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता है आप उसको एनालाइज करिए। कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट का 3 सेक्टर होता है, एक तो होता है मतलब कि इजी सेक्टर, यानी कि उस टॉपिक से कोई भी उस स्टूडेंट से सवाल पूछ लीजिए तो वो उसका सेफ जोन होता है, वहाँ से वो सवाल बना ही बना देगा। उसके बाद एक स्टूडेंट का होता है बीच वाला पोर्शन, जिसको बोलते हैं मॉडरेट पोर्शन, वहाँ से कभी कभी उस टॉपिक से उस स्टूडेंट से सवाल बनता है और कभी कभी उस स्टूडेंट से सवाल नहीं बनता। और एक होता है हार्ड वाला सेक्शन, जहाँ से कि क्वेश्चन को देखने के बाद उस स्टूडेंट को एक तरह से डर सा लगने लगता है। तो एनालिसिस जब भी आपका आता है तो आप देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक से आपका सवाल नहीं बना है, फिर आप वो चेक करिए कि वो जो टॉपिक है वो आपके कौन से जोन में बिलोंग करता है।
यदि अगर वो इसी वाले जोन में बिलोंग करता है तब तो डेफिनेटली आपका वो सवाल बनना चाहिए। यदि वो आपका मॉडरेट वाला जोन में बिलोंग करता है तो आप उसको थोड़ा सा मेहनत करके आप उसमें कोशिश करिए कि वो टॉपिक का सवाल आपसे बन जाए, क्योंकि लास्ट समय है। हार्ड वाले पोर्शन को आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्ड वाले पोर्शन पर अभी आप समय देने के लिए जाएंगे तो कहीं से भी आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। दूसरा, हम लोगों ने इनको एक अच्छी सजेस्ट किया कि जितना आप पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है एग्जामिनेशन में आप कितना ज़्यादा डिलीवर करते हैं, और एग्जामिनेशन में जो आपका डिलीवरी है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका रिवीजन के ऊपर। तो जो भी आपके पास 1 वीक का भी समय बचा हुआ है, आप लोग कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करने का। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया था कि जो भी आप लोग पहला दिन पढ़ाई करते हैं, जैसे आपका पढ़ाई का दिन आगे बढ़ते जाता है, आप लोग कोशिश करेंगे कि पहला दिन वाले चीज़ का पहले आप आगे बढ़ने वाले दिन में रिवीजन करते जाए रेगुलर बेसिस पर, तभी आप नया चीज़ के पीछे समय देंगे। तो ऐसा करते हैं, ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगी। क्या बोले? हाँ ठीक। तो मतलब कि जैसा कि ये कवरेज हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको यूज़ करके आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो आइए, इनका हम लोग फाइनल ओपिनियन इसके ऊपर जानेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जी, मेरा अभी एग्ज़ाम था यहाँ पे डिजिटल में CHSL का। हाँ, इसको सर मेरा उम्मीद नहीं था कि हम दे पाएंगे, क्योंकि एक अजीज दोस्त का शादी था, क्या बोलते हैं, ग्रीडी में, प्रदीप नाम का अपना ही भाई है, वो उसका भी क्या NTPCCBT2 में क्वालिफाई है वो भी, और वहाँ से उम्मीद नहीं था कि, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रिप में था कि आप आएंगे साथ में, कल रात को ही निकले थे, लेकिन फिर भी मिथुन दोस्त है, हम साथ ही पढ़े हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई मिथुन, जहाँ भी है भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को 4 बजे इतना फास्ट गाड़ी चला के सेंटर में छोड़ने के लिए। और प्रदीप भाई, तुमको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, अब बैक टू द फील्ड, 6-7 दिन बचे हैं, मज़े से तैयारी करते हैं और आगे निकलते हैं। थैंक यू सर। ये एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जो भी RRB NTPC का एग्जामिनेशन होने वाला है, एक एक स्टूडेंट को 3-3 दिन अपने शहर से बाहर रहना है। तो एक स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। वो इनिशिएटिव क्या था कि सभी स्टूडेंट्स खुद ही एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड्स बनते हैं। आज मान लेते हैं कोई स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर शहर में रह रहा है, कोई एक स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर शहर में रह रहा है, तो अभी के टाइम में हर स्टूडेंट्स के पास अपना अपना सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो उनका यूट्यूब है। तो हर स्टूडेंट अपना अपना लोकेशन मतलब कि फेसबुक पे शेयर करते हैं कि इस पर्टिकुलर शहर में किसी भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, केवल आप उनका रहने का और ठंडा पानी का व्यवस्था कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी राहत वाली खबर होगी। धनबाद में एग्जामिनेशन देने वाले जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने के लिए आने वाले हैं, उनको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारा ईमेल आईडी है studyumang@gmail.com, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। धनबाद में आपके पास सारी सुविधाएं हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो ये हमारा कवरेज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और कल ही एक स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, तुम्हें देखिए धीरे धीरे और भी स्पेशल ट्रेन अनाउंसमेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।